ये टेबल है, इसको हमें असेंबल करना है। ये हमने इसके जो है जो ड्राइंग के अंदर दिखा रहा है, ये नीचे वाला पार्ट हमने बना के ये तैयार कर लिया, और नीचे वाला पार्ट ये है आप जो देख रहे हो, नीचे वाला पार्ट हमने इसका जोड़ कर पूरा तैयार कर लिया है। ये है तीन साइड वाला पीस, ये हमने जोड़ दिया, जुड़कर ये तैयार हो गया। अब इसके हमें लगाने हैं ये साइडों के पैर जोड़ने हैं, और ऊपर का टॉप रखना है, टेबल बनकर ये तैयार हो जाएगा। वो रखें इसके पैर, ये पैर हमने इसके लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरह से इसके अभी तीन पैर लगने को बाकी हैं, तो हम अब दूसरा वाला पैर इसका लगा कर तैयार करेंगे। गुल्ली ठोंक दी, गुल्ली लगाने के बाद में हमने ये वाला पैर जो है यहाँ पर हमने इसको फिट कर दिया। ये दूसरा भी पैर हमने इस तरह से लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। इसके दोनों पैर लग के तैयार हो गए, और उस साइड के पैर लगने के बाकी हैं, तो उधर के पैर हम इसके बाद लगाएंगे। हमने इसमें यहाँ पर गुल्ली ठोंक के तैयार कर दिया इसको। इसके बाद हमने ये पैर ले लिया यहाँ पर, पकड़ना इसको, बीच में डालो, ठोंकना उधर से, हाथ मारो और ठोंको थोड़ा। ये पैर हमारा लग कर तैयार है क्या? तो इसके तीनों पैर लग कर तैयार हो चुके हैं, और ये हैं हमारे शर्मा जी। शर्मा जी काम कर रहे हैं, ये तीनों पैर इसके तैयार हो गए टेबल के लग कर। अब चौथा वाला पैर हम लगाने वाले हैं, इसके बाद में टेबल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इस पर टॉप रख देंगे। चारों पैर लग कर इसके तैयार हो चुके हैं, अब इसका हम टॉप रखने वाले हैं। अब जो हमारे इसमें हमने दो दो गुल्ली लगानी थी, ये दो गुल्ली हमारी इसमें लग गई यहाँ पर। इस तरह से हमने चारों पैरों में दो दो गुल्लियाँ लगा कर फिक्स कर दी। ये ऊपर का बेस बनकर हमारा तैयार हो गया, अब इस पर हम टॉप रख देंगे ऊपर से। तो हमारा ये टॉप लग कर तैयार हो गया है, और टेबल हमारा कंप्लीट हो गया बनकर। टेबल बनके पूरा तैयार हो गया, हमारे सर इसकी फिटिंग कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं सर इसको, मिनी फिक्सिंग को टाइट करके।